नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तंवर और आप देख रहे हो आर डिजिटल गाइड। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब हम नेट पर यूज़ करते हैं, कोई साइट वगैरह ओपन करते हैं, तो ये इस तरह का एरर हमारे पास आ जाता है कि द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। इसके आज हम पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो चले चलते हैं। तो इसका सबसे पहले दोस्तों, अगर जब भी आप किसी साइट पर इस तरह से आ जाता है, तो आपको जो ब्राउज़र होता है उसका, जिसमें आपने ये साइट ओपन की होती है, उसकी हमें ब्राउजिंग डाटा जो होता है वो क्लियर करना होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप जाइए, जैसे क्रोम में ये दिक्कत आती है तो आपको जाना होगा सेटिंग में, जाइए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ क्लियर ब्राउजिंग डाटा ऑल टाइम कर दीजिए यहाँ से, और इसको क्लियर कर दीजिए। इसके बाद आप कंट्रोल पैनल में जाइए और इसमें इंटरनेट ऑप्शंस होती हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए एक बार। इसमें जस्ट आपको एक बार ये चेक करना होगा, कनेक्शंस में जाके लैन सेटिंग में ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग, ये इसमें यहाँ पे कोई प्रॉक्सी सेटिंग नहीं होनी चाहिए, वो उस वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली है, इसका मतलब ठीक है। तो ये हम कैंसिल कर देते हैं इसको और बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करना होगा आपको कि आप नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाइए और चेंज अडेप्टर सेटिंग में जाइए। लैन अडेप्टर जो आपका लैन कनेक्शन है, जिससे आपका नेट कनेक्टेड है, या वाईफाई हो या फिर लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन जो होता है वायर्ड के थ्रू होता है, इस पर आप क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, ये इसमें होता है TCP/IP 4, इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए। यहाँ पर आपको देखिए कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है DNS सर्वर में, और जो ये साइट की प्रॉब्लम होती है कि द साइट कैन नॉट बी रीच, ये बेसिकली DNS सर्वर की प्रॉब्लम होती है कि आपका जो DNS सर्वर है वो आपकी वेबसाइट को, जिस सर्वर पे वो होस्ट है उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको सर्च नहीं कर पा रहा है। तो इसका सबसे सीधा सिंपल इलाज ये होता है कि आप दो DNS सर्वर होते हैं, ग्लोबल DNS सर्वर बोलते हैं इनको, आप डाल सकते हैं, और ये डालते ही कोई भी वेबसाइट इसमें चल जाएगी, कोई भी जो भी आप खोलना चाहेंगे, जैसे 8.8.8 और 8.8.4.4, ये क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आप चाहें तो एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर देंगे तो वैसे ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, प्रोग्राम्स एसेसरीज, इसमें ये आता दिखाई देता है आपको कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना होगा ipconfig/flushdns, ये देखिए इसमें मैंने लिखा था ipconfig/flushdns, तो ये इसने सक्सेसफुली फ्लश कर दिया है DNS। तो ये यहाँ तक का हो गया पूरा। तो हम इसको एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं पहले। तो दोस्तों बेसिकली अगर कभी भी आपको वेबसाइट ओपन होने की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सीधा सिंपल मतलब ये होता है कि आपके जो DNS सर्वर जो है, जो आपने यहाँ पे इसमें सेटिंग की हुई है, वो बेसिकली वेबसाइट को सर्च नहीं कर पा रहा है जो इसमें DNS सर्वर डाला है। ये DNS जो सर्वर हैं दो, ये आपकी वेबसाइट को सर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल 8.8.8 और 8.8.4.4 डाल सकते हैं, और ये ग्लोबल DNS होते हैं, आप ये कहीं पे भी किसी भी नेटवर्क में डालेंगे तो चलेगा उसमें नेटवर्क। तो ये बेफिक्र हो के आप यूज़ कर सकते हैं, कभी इन केस कभी भी आप इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप ये चेंज कर लें और डेफिनेटली चल जाएगा। एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें बस। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हो सके तो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।